बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन यूएस सोयाबीन वायदा देख रहे हैं कि 1667 के आसपास ट्रेड करता नज़र आ रहा है। सो यूएस सोयाबीन में फिर से निचले स्तर से सपोर्ट मिला है। एनसीडीएक्स पर भी हमने हल्की सी करेक्शन देखी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोयाबीन 8000 से लेकर 8200-300 का लेवल अभी भी दिखा सकती है, लेकिन जब सोइंग का टाइम आएगा सोयाबीन का, तो इस बार सोयाबीन की जो सोइंग है, जो बुआई होगी, वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्राइसेस हैं और जिस हिसाब से पूरे दुनिया भर में तेल तिलहन की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, उससे हर किसान चाहेगा कि तेल तिलहन का जो रकबा है ज़्यादा बढ़ाया जाए, तो जिसकी वजह से बुआई के समय सोयाबीन की जो प्राइसेस हैं उनमें एक नरमी भी देखने को मिल सकती है। तो अभी ऐसे हाल फिलहाल में एक्सपर्ट द्वारा अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट भी मिलता रहेगा, क्योंकि जैसे अर्जेंटीना और ब्राज़ील हैं, वहाँ पर सोयाबीन का जो उत्पादन है काफ़ी कम देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। ग्लोबली सप्लाई टाइट रह सकती है, बुआई अभी होनी है भारत के अंदर, फिर अगले साल तक उसका, साल 2023 तक उसका पूरा उत्पादन का आंकड़ा निकाला जाएगा, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तब तक जो प्राइसेज हैं उनको सपोर्ट कहीं ना कहीं निचले स्तर पर मिलता भी रहेगा।